हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम परफेक्ट स्पाइसी कटोरी चाट रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। कटोरी चाट में हमें दो तरह की रेसिपी बनानी होती है, एक कटोरी दूसरी चाट। तो बिना देर किए शुरू करती हूँ कटोरी चाट रेसिपी। यहाँ पर चाट के लिए ओवरनाइट भिगोया हुआ चना लिए हम यहाँ पर, दो छिला हुआ आलू, इसे ग्रेवी गाढ़ा होने के लिए हल्दी एक चम्मच छोटी चम्मच, लाल मिर्ची छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। अब पानी इसमें ऐड करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। दो सीटी लगने के बाद गैस को धीमी कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब यहाँ तैयार है छोला। अब आलू को कलछुल से हल्का सा मसल देंगे और पूरे छोले में इसे मिला देंगे। आलू अच्छे से पूरे छोले में मिल जाए, अच्छा से मिल चुका है, तैयार हो गया यहाँ छोला। अभी यहाँ कटोरी बनाने के लिए पूरी पहले से बेल रखे हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। हल्के से ऑयल लगा के एक बाउल को ऊपर से पूरी को डालेंगे, चारों तरफ से हल्के से दबाएंगे, कटोरी का शेप देंगे इसको और कुछ देर के लिए एसी के सामने या फ्रीजर में रख देंगे जो जल्दी सूख जाए। सेम सारे कटोरी में ऐसे ही करेंगे, सारे बाउल पे लगा देंगे। तैयार है। अब एक एक करके सबको फ्राई कर लेंगे। पलट कर अच्छा से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ कटोरी तैयार हो चुका है। अब इसमें छोले डालेंगे, एकदम कम मसाले वाली, बिना मसाले वाली छोला हम तैयार किए हैं। अब दही ऐड करेंगे साढ़े पे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, इमली पानी डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, मिक्सचर ऊपर से सजाएंगे, रोस्टेड मिर्चा पाउडर डालेंगे, गोल मिर्च और काला नमक का पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, चाट मसाला ऐड करेंगे। बेदाना ऐड करेंगे, अनारदाना से सजाएंगे ऊपर से, सब पे डालेंगे। सेव भुजिया से सजाएंगे नमकीन, धनिया पत्ती ऐड करेंगे ऊपर से सजाएंगे। तैयार है एकदम परफेक्ट स्पाइसी कटोरी चाट रेसिपी। इंजॉय विद फैमिली। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। घर बैठे बाजार जैसी चीज़ें खाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।